सिख नौजवानी के अंदर दस्तार की महानता उजागर करने के लिए श्री अकाल तख्त साहब विखे साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी के जन्म दिहाड़े में समर्पित कौमी दस्तारबंदी समागम करवाया गया। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और होर जथेबंदियों ने सहयोग के नाल हुए इस समागम के मौके 1300 बच्चों ने उत्साह के नाल शमूलियत करदिया समूहिक रूप के दस्तारा सजा के सिखी गौरव का प्रगटावा किया। समागम की आरंभता मौके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कुछ बच्चों को दस्तारा सजा के शुरुआत करवाई। इस तो पहले हेड ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह ने अरदास की। इस मौके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने की कहा, आप देखते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का बख्शिया खालसा ते खालसे नू बख्शी दस्तार, ये साडी पहचान का प्रतीक है, साडे गौरवमय विरसे का प्रतीक है, ये साडे सिर का ताज है। ते ताज उसके सिर ते रख्या जांदा है जिहड़ा राजा होवे, बादशाह होवे। श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने कल्ले कल्ले सिख नू राजे बनाया, पातशाह बनाया, खंडे बाटे की पहल छका के त्यार बर त्यार खालसा कल्ला कल्ला एक राजा और एक बादशाह की हैसियत रखता है। पंजाब दे विचों खास तौर दे उत्ते दस्तार जिहड़ी है वो अलोप हो रही है। साडे सिख बच्चे खास तौर दे उत्ते जिहड़े सिख परिवारां दे विच पैदा होए हैं उन्हां दे सिरां तों दस्तार दा गायब होना साडे वास्ते बहुत चिंता दा विषय है, चिंता दी गल है। छोटे छोटे बच्चे उन्हां नूं दस्तार प्रति जागरूक करन वास्ते, प्रेरणा देण वास्ते अज श्री अकाल तख्त साहिब तों उन्हां नूं बुला के उन्हां दे सिरां दे उत्ते दस्तारां सजाईयां ने। और वाहिगुरू अग्गे अरदास कीती है कि श्री अकाल तख्त साहिब तों सजियां बच्चों के सिरां ते दस्तारां ता उमर उन्हां दे सिरां दे उत्ते सजियां रहन और ये कौम का माण बनन बच्चे, कौम की शान बनन बच्चे। इस सारे प्रोग्राम लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहत बहुत सारिया साड़िया संस्थावां ने सहयोग दिता, खास तौर के उत्ते साडे नौजवान वीर ने बड़ा वड्डा सहयोग दिता। मैं सारिआं दे तहि दिलों धन्नवाद करदा जिन्हां ने बड़ी मेहनत के नाल इन्हां बच्चों के सिरां दे उत्ते श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों बख्शियां दस्तारां जिहड़ियां ने सोहणे तरीके दे नाल बन्नियां ने, मैं सारिआं दे तहि दिलों धन्नवाद करदा। अज जरूरत है इस गल की कि असी पंजाब दे विच खास तौर पर पंजाब तो बाहर जिहड़े सिख वसदे ने दस्तार उन्हां दी शान है और उन्होंने शान बरकरार रखी हुई है, लेकिन पंजाब दे विच साडे नौजवान दस्तारां सजाउण, साबत सूरत होण, नशियां तो रहत होण और खंडे बाटे की पाल छा के गुरु वाले बन, इहदे नाल ही पंजाब का भी माण है, पंजाब की भी शान है और पंजाब लगता है कि वाकई पंजाब गुरुआं दा है जे इत्थे दस्तार शोभ नहीं कहता। तो असी पंजाब नू गुरुआं दा है, गुरुआं दा रहना ते गुरुआं दा ही असी रखना है पंजाब। तो जे गुरुआं दा पंजाब है तो गुरुआं दे वास्ते पंजाब दे विच दस्तार शोभ दी है, गुरुआं दे वास्ते पंजाब दे विच नशे शोभ नीक नहीं है। इत्थे कोई भी बुरी चीज़, बुरी अलामत शोभ नीक नहीं है। इत्थे गुरु नानक साहब का बोलबाला है, इत्थे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की धारा का प्रवाह फुटे है, इस करके दस्तार जरूर सजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।